स्थित पीपाजी महाराज की गुफा है। आज से 700 वर्ष पूर्व गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और मीराबाई के काका गुरु जी हैं पीपाजी महाराज, उनकी गुफा है। इसके अंदर नीचे तहखाना सरीखा है, अंडरग्राउंड है, उसमें भजन करते थे पीपाजी महाराज। इसमें आज से अपने समय में नानक जी महाराज जो सिखों के प्रथम गुरु हैं वह भी आए थे इस स्थान के दर्शन करने के लिए, और 3 दिवस तक इस गुफा में वह भी रहे। पीपाजी महाराज की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। यह वह दिव्य स्थल है जो नानक जैसे महापुरुष इस स्थल को नमन करने के लिए आए थे। और यह जो वट वृक्ष है विशाल था, ऊपर की जो तंतु हैं वह नीचे आकर रुक गई हैं और पुराना जो मूल जड़ थी वह खोखला हो गई। जय जय श्री सीताराम। ये वो स्थान है जहाँ संत पीपाजी महाराज तब करते थे, गुफा के अंदर ध्यान करते थे। जी जी, वह दिव्य स्थल है जी। और बाहर तो जंगल था उस समय जी, तो बाहर की कोई बात ही नहीं, अंडरग्राउंड ही स्नान के लिए जी जी। उनका रास्ता है जो कि आप उधर की तरफ दिखा सकते हैं जी, आप वो लाइट दिखाएंगे। हाँ, ये देखिए महाराज जी गुफा के बाहर आ रहे हैं। और ये जी, इसके अंदर जाने के बाद, एक मिनट मैं भी चल रहा हूँ अंदर ही अंदर। यस, ये गुफा, ये इधर से रास्ता था जी। अच्छा, ये यहाँ से नदी में जाने का। हाँ, यहाँ से नदी, मतलब एकदम एकांतवास में रहते थे। जी, सुरंग है जी, सुरंग जी 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 जी। चलिए सर आगे। ये वह दिव्य स्थल है जहाँ पर संत पीपाजी महाराज समाधि लिए हुए थे और ध्यान करते थे। तपस्थली थी, और हम ऊपर चल रहे हैं सीढ़ियों के माध्यम से। ये वो नदी का वह दिख रहा है, जब हम गुफा से ऊपर निकल के आए नदी दिख रही है। दो नदियों का संगम है जी, दो नदियां हैं, काली सिंध और आहू जी जी जी, दोनों मिलकर और गागरोन फोर्ट को बाएं करते हुए। जिस स्थल पर आप सभी लोग बैठे हैं यह पीपाजी महाराज की समाधि स्थली है। समाधि जानते हैं ना, इस जगह बैठकर और समाधिस्थ हो गए थे पीपाजी महाराज। जिस तरह से दूसरे लोग सामान्य शरीर छोड़ते हैं, उस तरह से शरीर नहीं छोड़ा पीपाजी महाराज ने। योग मार्ग से प्राणों का उत्सर्जन किया बैठकर, इसलिए इसको दिव्य जीवित समाधि कहा जाता है इस स्थल को। एक तो मरने के बाद समाधि लगाई जाती है, इसलिए बहुत चमत्कारिक समाधि है। परिक्रमा करने पर जैसे किसी की मन की भावना कुछ होती है और परिक्रमा करके और अपनी बात वाणी से नहीं मानसिक भाव से कही जाए, तो सच्ची श्रद्धा जिसकी होगी वो उसको फलित होगी। हैं कौन पीपाजी महाराज? सामान्यतया पीपाजी को नहीं जानते, लेकिन कबीर जी को सभी जानते हैं। कबीर जी महाराज के सगे गुरु भाई हैं, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं। जिन जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज को भक्ति काल का जनक कहा जाता है इतिहास में। आप लोग तो ये सब, कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कबीर जी अथवा पीपा जी के छोटे गुरु भाई थे नरहरिदास जी महाराज, जिनको नरहरियानंदाचार्य जी वैष्णव में जाना जाता है, उनके शिष्य थे। माने गुरु भाई के शिष्य होने से ये भतीजे शिष्य हुए कबीर रैदास जी, तुलसीदास जी महाराज और मीराबाई, मीराबाई रैदास जी की शिष्या थी, इसलिए भतीजे शिष्या और शिष्य हुए। जिस जगह हम अभी होकर आए थे आप लोग नहीं पहुँचे, वह भजन स्थली थी, तपस्थली थी पीपाजी महाराज की। उस स्थल के दर्शन करने के लिए सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी महाराज वह अमृतसर से पैदल चलकर आए और उस स्थल के दर्शन किए, प्रणाम किए, ढोक दिए और 3 दिन तक वहाँ अनुभव लिए। ऐसा दिव्य स्थल है।
कबीर जी, रैदास जी, धन्ना जी, ये उस पार एक छतरी है। जब पीपा जी महाराज राजा थे गागरौन के, उस समय अगवानी की उनका स्वागत करना चाहते थे पीपा जी महाराज राजभवनों में, तो स्वामी जी ने कह दिया कि हम, स्वामी जी माने रामानंदाचार्य जी महाराज ने, कि हम उस महलों के अंदर नहीं रहेंगे, हम तो सन्यासी हैं, महात्मा हैं, हमको तो जल का और वायु का सुपाश हो, छाया मिल जाए, ऐसी जगह बताओ। तो राजोद्यान जो पीपाजी महाराज का था उस समय गागरौनगढ़ का, वो उस पार आहूप नदी के संगम पर है, वहाँ पर ये सभी महापुरुष 4 महीने तक रहे, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के साथ में। तो यह ऐसा दिव्य स्थल है। पीपाजी महाराज ने सबसे पहले शिष्य शेर को बनाया। हिंसा की बात रहती है अधिकांश, और उस समय तो और भी अधिक थी, तो सभी को, तो जो छत्री थे उनमें एक तरह से विजन उनका था कि अहिंसक बनाए, क्योंकि मार काट और एक दूसरे इसी में लगे रहते थे, तो उनको तो शिष्य बनाया ही, लेकिन उनसे पूर्व जो नरभक्षी सिंह था उसको उपदेश दिया और अहिंसक बना दिया। वह जब तक जीवित रहा उसने मांस नहीं खाया, और शेर फलाहार तो करता नहीं। इसके अलावा बाणियाँ हैं पीपाजी महाराज की, शायद आप लोगों के यहाँ शिक्षण में हों मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में विक्रम यूनिवर्सिटी, भोपाल वाली बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी और अहिल्याबाई होलकर इंदौर, इन यूनिवर्सिटियों में एमए में इनकी बाणियाँ पढ़ाई जाती हैं। उसमें भी है जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में पीपाजी की बाणी है। तो आपका किसी का कोई प्रश्न हो पीपा जी के बारे में, संक्षिप्त जानकारी मैंने दे दी, और कुछ आप जानना चाहते हैं? नहीं, आपने बहुत जानकारी दी। बच्चे हैं ये हमारे कॉलेज भारत माता से आए हैं, किशनगंज से भारत माता कॉलेज से ये सभी आए हैं, और सबकी इच्छा थी कि हम इस दिव्य स्थान को देखें। तो हालांकि मैं आप सभी को वो स्थान भी दिखा दूंगा जहाँ महाराज जी तपस्या करते थे गुफा में जाकर, मैं अकेले देख के आया हूँ, हालांकि एक बार मैं भी डर गया वहाँ अंदर जाके, वो दहशत सी एक आई, एकदम अंधेरा, धूप अंधेरा है, फिर हिम्मत तो नहीं आई, मैं ऊपर से लौट आया, फिर मैंने कहा अकेले आप चलो साथ में चलो तब चलेंगे। तो वो स्थान देख के आया जहाँ पर वो तपस्या करते थे, और वह स्नान, वो जगह जहाँ पर शिव स्नान करने के लिए नदी में जाते थे, आहू नदी में, सब मैं देख के आया, सबके मोबाइल पर डाल दूंगा। ठीक है, गुरु जी आपको सादर सादर वंदन, हम 12 बच्चों की तरफ से आपको बधाई देते हैं कि आपने बताया। नहीं, ये तो अच्छी बात है, यहाँ के भी गुरु सत्य कृपा जी महाराज की जय, सत्य की जय, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय। चलिए बस बैठ जाओ, सभी बस में बैठ जाओ बस।